आज से बिहार में 18 साल से ऊपर लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। पटना के न्यू गार्डियर रोड अस्पताल में वैक्सीन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी दिख रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। सेंटर पर टोकन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। तस्वीरें अपने आप में पूरा हाल बयां कर रही है। आखिरकार बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल में मौजूद हैं और पीछे की आप तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री की के निर्देश के बावजूद जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और ना ही दूसरे जो कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। लोग अपना टोकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर भीड़ लगाकर जुटे हुए हैं। ना तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई उचित व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है और ना ही जो लोग हैं वो खुद भी ध्यान दे रहे हैं। और तस्वीर देखिए कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था। आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया था सर? मैं करवाया था फर्स्ट जो निकला था ना, फर्स्ट उसी रात में कर किया था। तो आज से 18 प्लस की शुरुआत हुई है जी। तो यहाँ पर क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य कर रहे हैं? यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है? मान्य है लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है। ये तो यहाँ लाइन से लगने से पहले कोविड धर लेगा। यहाँ तो जिस तरह से भीड़ है, कोई सहूलियत नहीं है, तो सही आ जाएगा। तस्वीर की आज से जो यंग जनरेशन है वो भी आपको अस्पतालों में नजर आ रही होगी जो वैक्सीन लगवाने आए हैं और इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। आप लोगों ने कब रजिस्ट्रेशन कराया था? रजिस्ट्रेशन फर्स्ट को ही कराई थी, कल शेड्यूल किया अपॉइंटमेंट। आपने स्लॉट बुक किया? हाँ। है। अभी आपको आने के बाद क्या यहाँ पर प्रोसीजर करना पड़ा? यहाँ पे एक ये टोकन लेना था जो कि बहुत गंदे तरीके से वहाँ पे क्राउड करके मिला है, जो कि बहुत गलत है, जिससे कोविड बहुत इन्फेक्ट हो सकता है। तो फिर गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। टोकन लेने में यहाँ पर दिक्कत आई है, कितने देर से इंतजार कर रही हैं और क्या बताया गया कि आपका नंबर कितनी देर में आएगा? यहाँ पे सबको टोकन ये मिला और उसको फिल करके वापस सबमिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम बताया? अभी नहीं बताया।